कि क्या पायल तुमको ट्वीन्स हो रहा है कि तो फिर बोलेगा अरे पायल के पास ब्लू कैंडल है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? एंड चलिए अभी तुरंत अंदर चलते क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। ओह माय गॉड, मैं वही बोलती हूँ ना, कोई कोई दिन ऐसा बाहर में वेदर तो अच्छा रहता है पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी रहता है, तो आज वही दिन है। एंड तो कैसे हैं आप सब लोग? आज थर्सडे है एंड अभी काफ़ी टाइम हो गया है। कोई कोई दिन मैं जैसे बोलती हूँ ना, आई लिटिल बिट चिल आउट इन द मॉर्निंग, तो नाउ द टाइम इज 11:50। तो आज लंच में मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगी। आई जस्ट मेक सैमन, वो दोई माच बोलते हैं ना, दही फिश जो बोलते हैं, वो मैं बनाऊंगी क्योंकि वो शॉमी एंड राय दोनों को ही पसंद है। एंड हाँ, फिर मैं निकल जाऊंगी 12:20 को क्योंकि राय का ब्रेसेस का अपॉइंटमेंट है। एंड मुझे आप लोग बहुत जन पूछते रहते हैं कि पायल कब राय का ब्रेसेस निकलेंगे। मुझे याद है जब हम लोगों ने ये ब्रेसेस का जर्नी स्टार्ट किया था 2 साल पहले, दैट टाइम मेनी ऑफ यू टोल्ड मी, जो लोग का एक्सपीरियंस है कि पायल वो लोग 2 साल बोलते, क्योंकि हम लोगों को 2 साल बोला था, बिकॉज मुझे अभी भी याद है देवर लाइक कि यार जब राय हाई स्कूल के लिए जाएगी तब उसके ब्रेसेस निकल जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेनी ऑफ डोल मी पायल 2 साल बोलते, 4 साल, किसी किसी का तो बोला ही 5 साल तक था। तो वो ही है, बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट ना, लाइक 2 महीने पहले, तब मैंने पूछा था और कितना दिन, देन ही वाज लाइक सिंग और 1 साल लगेगा, यानी फुल ये साल भी नेक्स्ट साल भी मुझे लगता है, बिकॉज वो लोग ना कुछ ऐसे बोलते हैं बाइट साइज परफेक्ट होना है, परफेक्ट होना है, जो मुझे लगता है होते होते में बहुत सारा टाइम चला जाता है। अभी क्या करें, वंस यू एंटर दिस जर्नी तो सभी लोग सोचते हैं ना कि हाँ अच्छा रिजल्ट आए, लाइक परफेक्ट हो, तभी पीपल टेक आउट द ब्रेसेस एंड ऑल। तो वही देखते हैं, ऐसा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वी जस्ट गो, इट्स जस्ट फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि वो लोग ऐसा टाइट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, हो जाता है। तो चलिए अभी मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैं जैसे बोल रही थी कि मैं सैमन बनाऊंगी, उसके लिए ना यहाँ पे मैंने थोड़ा खसखस एंड प्याज को, स्पेशली प्याज को ना बॉईल कर लिया है। इसमें प्याज में जो कच्चापन एक रहता है ना व्हेन यू कुक, वो नहीं आएगा। तो बॉईल करने के बाद ना सी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अभी मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड किया है, सिर्फ 2 ही सैमन है मेरे पास, सो ग्रीन चिली इज एज पर योर टेस्ट। फिर अभी अगर आप चाहे तो दही बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ना दही ऐड कर दूंगी, देन आई विल मेक ए पेस्ट। तो इससे क्या होगा, दही भी बहुत स्मूथ हो जाएगा। मैं अराउंड 4 टेबल स्पून ऑफ दही ऐड करूंगी, लाइक अगर दही खट्टा हो तो डोंट ऐड दैट मच, पर क्योंकि यहाँ का दही इतना खट्टा नहीं होता है तो मैं ऐड कर पाऊंगी। एंड देन आई विल ऐड अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक, ये भी अगर आप चाहे तो बाद में ही ऐड कर सकते हैं, बट आई विल ऐड एवरीथिंग एंड अभी मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगी। एंड आप लोग बहुत जन मुझे पूछते हैं कि पायल तुम जो फिश एंड ऑल बनाती हो, तुमको स्मेल नहीं लगता है क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही सच्ची बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा स्मेल लगता है, पर सी अगर मैं बनाना छोड़ दूँ तो जैसे शौमिक को भी फिश बहुत पसंद है, फिर राय को भी पसंद है, तो वो लोग कभी खा नहीं पाएंगे ना, तो ना मैं लाइक इतना ज़्यादा ना नहीं सोचती हूँ। जैसे कि अभी मैं फ्राई करूँगी ना, आई विल गेट दैट स्मेल, तो मैं अपने नोज बंद करके ना, एंड मैं बहुत ही ऐसे लो फ्लेम में ऐसा भी सैमन को फ्राई करते हैं, एंड सैमन का एक्चुअली अगर द फिश क्वालिटी इज बहुत अच्छा हो ना तो इतना ज़्यादा स्मेल नहीं करता है। जैसे कि आई डोंट गेट तेलापिया एंड ऑल, श्रिम्प भी इट्स ओके, मैंने बनाया था, पर हाँ बहुत सारे फिश होते हैं ना जिसका बहुत ज़्यादा स्मेल होता है। आई रिमेम्बर वंस आई गॉट कॉट फिश एंड दैट टाइम आई थिंक सो आई वॉज प्रेगनेंट, पर मैं जैसे बोल रही हूँ ना, मुझे पता नहीं था, तब मैंने एक्चुअली आप सबको बोला भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल लग रहा है, तो सैमन इज फाइन, थोड़ा टाइम में अपना नोज़ बंद करके फ्राइंग के टाइम में, उसके बाद आई डोंट लाइक इतना ज़्यादा कभी भी स्मेल एंड ऑल नहीं होता अगर फिश का क्वालिटी अच्छा हो। मैंने फिश को शैलो फ्राई किया है, बट जस्ट फॉर 1 मिनट इन बोथ द साइड, तुरंत निकाल लेना है, ज़्यादा टाइम फ्राई करेंगे तो फिश बहुत ही हार्ड हो जाएगा। फिर मैंने ऑयल पे सूखी हुई लाल मिर्च, फिर 3 लौंग एंड अराउंड 1/2
सिनेमन स्टिक ऐड किया है, डोंट ऐड इलायची इन इट। तो अभी जो पेस्ट बनाया है वो हम लोग ऐड कर देंगे। सो इट इज़ क्वाइट ईजी एंड वो भी टेंशन नहीं है कि प्याज का स्मेल करेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बॉयल कर लिया है। आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इन इट एंड धीरे धीरे ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो वेट लाइक जब ऑयल निकलना स्टार्ट होना देन ओनली ऐड द फिश। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मेरे घर में सबको ग्रेवी चाहिए। तो ये तो अनदर 10 मिनट्स नहीं तो 5 मिनट्स में ही हो जाएगा। बस सी मैंने फ्लेम को लो पे रखा है। सो ऑलरेडी इट इज 12 o'clock एंड मैं अभी क्या करती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही चली जाऊँगी क्योंकि ऐसे जैकेट तो पहनना ही है एंड लेगिंग्स है ना वो लाइक मेरा जो कपड़ा है ना मैं ऊपर में ही रख देती हूँ ताकि मुझे नीचे एंड ऑल जाना ना पड़े। विंटर में ये चीज़ का एक फ़ायदा होता है एंड क्या या एंड जब भी मैं जाती हूँ ना कहीं पर भी ताकि थोड़ा भूख तो थोड़ा लगता ही है। तो यहाँ पर ना डेट्स है, आई ऑलवेज कैरी डेट्स विथ मी। तो चलिए अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं राइस बना के जाऊँगी पर शायद टाइम नहीं होगा, देखती हूँ। मैं अगर अभी बिठा दूँ तो विद इन 12:20 तो हो जाना चाहिए, या मैं राइस चढ़ा देती होगा राइट। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया है एंड मैं बैंगन फ्राई करूँगी। तो उसके लिए ना बैंगन को मैंने मैरिनेट कर दिया है विथ सॉल्ट एंड हल्दी एंड बैंगन को ना एक्चुअली थोड़ा मैं पानी में भिगो के रखती हूँ। तो खत्म, सिर्फ 5 मिनट्स का ही काम था। लाइक मैं बोल रही थी ना एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बाइट साइज ओनली। तो हर बार आते हैं ना वो लोग ऐसा रबर बैंड दे देते हैं एंड ये इसका भी कुछ ऐसा साइज रहता है। पहले एक बार खत्म हो गया था तो हम लोगों ने अमेजन से खरीदा था, देन दे टोल्ड अस नहीं नहीं वहां से मत खरीदना, साइज मैटर करता है, खत्म भी हो जाए तो हम लोग यहाँ से लेके जाना। तो चलिए अभी घर चले जाते हैं एंड फिर हम लोग CBS गए थे, राय को कुछ नेल पॉलिश खरीदना था एंड सम टॉप, व्हाट डिड यू गेट, टॉप कोट, बेस एंड टॉप, ओके बेस एंड टॉप। My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. तो मैंने मेरे लिए थोड़ा बैंगन फ्राई बनाया है एंड ऐसे चिली को भी थोड़ा फ्राई कर लिया है। ये ब्लू कलर का नेल पॉलिश खरीदा है तो उसने लगाया। दिस नेल पॉलिश आर क्वाइट गुड पर मेरे मैंने लाइफ में कभी भी नेल पॉलिश एंड ऑल नहीं खरीदा क्योंकि मेरे नेल्स ही बड़े नहीं होते, पर राय के नेल्स एक्चुअली आर लाइक बहुत अच्छा है, लाइक बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है एंड लाइक बहुत हार्ड भी है ना माँ, ईजिली ना नहीं टूटता है। एंड हाँ अभी बहुत जन बोलेंगे राय ने ब्लू कलर का नेल पॉलिश लगाया है, इट्स ए बॉय। कोई मुझे लिख रहा था राय ने ऐसा ब्लू मैट पकड़ा, इट्स ए बॉय। तो ये सब मैंने आई थिंक सो ऑलमोस्ट 9 महीने 10 महीने पहले खरीदा था। अभी कौन अपना किचन ऐसा करके बनाएगा सोच के कि हाँ बॉय होगा इसीलिए सब कुछ ब्लू रखेंगे। अभी यहाँ से nails. तो मैं बोलूंगी इट वॉज सो फनी, अभी मेरे किचन में सभी कुछ ब्लू है तो सभी लोग बोल रहे ब्लू पकड़ा, पिंक तो कुछ है ही नहीं। एंड यहाँ पे ना स्पेशली फॉर गर्ल्स ना इट्स वेरी कॉमन, मुझे सभी लोग बोल रहे थे जो लोग के बच्चे तब टीनेज पे थे कि गर्ल्स लोग ना जब छोटे रहते हैं ना एवरीथिंग इज प्रिंसेस, वो लोग को पिंक बहुत पसंद है, जो राय के साथ भी हुआ। बट एज दे ग्रो ना पता नहीं क्या सभी लड़कियों को ना ब्लू बहुत पसंद हो जाता है। During the Victorian times, blue was actually for girls and okay and pink was actually for boys. Oh, Rai बोल रही है कि Victorian time में it seems blue was for girls and pink was for boys. अभी सब लोग बोलेंगे girl है Victorian time का राय दिखा रही है। तो मैं बोलूँगी कि gender doesn't matter at all, at least for us ये कोई matter ही नहीं करता है।
बहुत जन तो जानना भी नहीं चाहते हैं क्या जेंडर है, पर अभी जैसे कि मेनी ऑफ यू नो कि पहले जैसे मैं बोल रही थी ना, वो लोग ने बहुत सारा टेस्टिंग किया एंड दे डू जेनेटिक टेस्टिंग जिसमें यू नो दे नो द जेंडर. एक्चुअली कल मैं अपने नेबर से मिली थी एंड वो लोग के तो ट्विंस है ना, तो मेनी ऑफ यू आप लोग पूछ रहे थे क्या पायल ट्विंस है, ट्विंस है. मुझे पता नहीं कितने सारे मेल्स भी आए कि क्या पायल तुमको ट्विंस हो रहा है क्या, ट्विंस है क्या, ट्विंस है क्या. तो मामा इज इट अ ट्विन, तो फर्स्ट दिन जब मैं सोनोग्राफी कराने गई थी ना, तो आई वॉज सो स्केयर्ड यू नो, बिकॉज जैसे मैं बोल रही थी आई डिडंट नो एंड ऑल. एंड उससे पहले दिन ना रात में शॉमिक बोल रहे यार अगर ट्विंस हुआ था अभी तो मेरे दिमाग में वो भी टेंशन. तो वेन आई वेंट ना फर्स्ट थिंग ना मैं उसको पूछ रही थी लाइक when she started twins hai kya, to that lady is mujhe bol rahe tumko twins chahiye kya, to I was like nahi nahi mujhe twins nahi chahiye. तो ट्विंस नहीं है, मैं वो बोल देती हूँ, पर जेंडर जैसे मैं बोल रही हूँ आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं और दूसरा कुछ ऐसा टाइटल एंड ऑल लिख के जेंडर एंड ऑल वीडियो नहीं करूँगी कि जेंडर आई वॉन्ट रिवील विथ एनी वन ऑफ यू. When everything सब कुछ हो जाए then only I will tell. ये मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था. राई यहाँ पे केक बना रही है and Rex अभी खाने के लिए उतावला हो रहा है. Rex help कर रहा है राई को कि राई ठीक से कर रही है कि नहीं. एंड जस्ट रैक्स का उतावला पन जिसे बोलते हैं ना वो देखिए. एंड राई ना अभी केक बनाते बनाते एक्सपर्ट हो गई है, तो केक ही समथिंग मैं बनाना भूल ही गई हूँ जब से राई को आता है. लाइक शी नोज हाउ टू डू इट परफेक्टली. एंड मैंने जैसे बोला था कि उसके स्कूल में वो लोग को सिखाया था. तो खाना खाना खत्म, अभी हम लोग बना रहे हैं केक जो है फिर ब्लू कलर का. नहीं मजाक कर रही हूँ, हम लोग बना रहे हैं व्हाट केक आर यू मेकिंग मां, पाइनएप्पल अपसाइड डाउन पाइनएप्पल कपकेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाइनएप्पल यू नो अपसाइड डाउन कप केक में ना अगर आप फ्लिप करेंगे ना तो बहुत सुंदर लगता है, पर यहाँ पे कपकेक में विल सी नहीं होगा तो भी देना हो यार खाने में तो सेम ही लगेगा. तो चलो अभी मैं राय की हेल्प कर देती हूँ. एंड बेकिंग इज समथिंग जो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि ये राय का डिपार्टमेंट है. तो यहाँ पे मैं शुगर को कैरामलाइज कर रही हूँ इन लो फ्लेम. एंड अभी हम लोग क्योंकि अगर अपसाइड डाउन कपकेक बनाना विल बी वेरी टफ, तो यहाँ पे हम लोग छोटा एक केक बनाएंगे एंड रिमेनिंग जस्ट हम लोग ऐसे कपकेक बनाएंगे, उसमें पाइनएप्पल नहीं रहेगा. डाउन पाइनएप्पल केक बनाने के लिए सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको शुगर को कैरामलाइज करना होता है, उसी से केक का असली टेस्ट आता है. एंड दिस इज़ क्वाइट ईजी, बट फ्लेम को ना लो पे रखना होता है, नहीं तो कभी कभी ऐसा फुल हार्ड हो जाता है. तो दिस इज़ परफेक्ट, अभी हम लोग इसमें पाइनएप्पल दे देंगे. ऑलमोस्ट हो चुका है, राय अभी कपकेक के लिए कर रही है. एंड जो लोग के सिज़ूज है ना मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि ये लोग का ना एक ही प्रॉब्लम है, बिकॉज वो लोग जब चलते हैं ना यू वॉन्ट नो ऑल्सो कि आपके पीछे में या आपके साइड में कोई है. या दे आर लाइक ए कैट, राय बोल रही है. तो अभी ना लाइक वर्क काम करना इतना प्रॉब्लमेटिक होता है ना, ऐसे मेरी मम्मी इतनी डरती है ना, बिकॉज यू नो ये लोग का भी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो आप भी तो गिर सकते हैं ना. जैसे अभी राय ना गिरने वाली थी, सी अभी कॉन्स्टेंट राय बना रही है. ओके राय यहाँ पे है एंड रैक्स को देखो यहाँ पे ही है, जस्ट लुक यहाँ पे ही वो है. Show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for. तो कपकेक एंड केक दोनों ही 20 मिनट्स में हो जाएगा. कपकेक को बोला है 16 मिनट्स,
लगेगा, तो मैं यहाँ पे आ गई. लाइक दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर, मुझे यहाँ पे बैठना इतना पसंद है ना. एंड हाँ, मुझे पता है बहुत जन बोल सकते हैं पायल पाइनएप्पल ले रही हो, तो अभी से मुझे लगता है ना, अभी के ज़माने में हम सबके हाथ में ही स्मार्टफोन है एंड देयर आर लॉट ऑफ एप्स. आई एम श्योर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ़ यू फॉलो सम ऐप. मैं जैसे ना ये ऐप फॉलो करती हूँ, दिस इज़ द ओवी आ रहा है क्या, या प्रेगनेंसी ट्रैकर. इसमें ना आपको अपना ड्यू डेट देना है एंड फ्री है, दैट इज़ द गुड थिंग. तो वहाँ पे ना लाइक इट इज़ समवे ना, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ रियली फील गुड फैक्टर. वो लोग जैसे आपको बोलेंगे आपका क्या वीक चल रहा है हर वीक को, देन दे विल लाइक गिव यू पिक्चर, हाँ इतना बड़ा है बेबी, या दे विल शो अभी बेबी का क्या डेवलप्ड हो रहा है, अभी आपको क्या यू नो खाने में क्या किसका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए. फिर जैसे लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ना, जो बोलते हैं नहीं खाना चाहिए. एक्चुअली बहुत सारे फिश है जो आप नहीं खा सकते, सारे लाइक ऑलमोस्ट सभी कुछ का नाम है. जैसे कि पाइनएप्पल, यू नो मैंने चेक कर लिया, तो वो उन लोग बोल रहे हैं या पाइनएप्पल इज़ गुड क्योंकि लाइक इम्यूनिटी इट सीम्स अच्छा होता है. तो दिस ट्रैकर इज़ रियली गुड. मुझे ये ट्रैकर बहुत पसंद आया प्रेगनेंसी का, बट आई एम श्योर लॉट ऑफ ऐसा बहुत सारे प्रेगनेंसी ट्रैकर है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट पे बताना. जैसे कि द बेस्ट थिंग ना, यहाँ पे जैसे कि हम लोग का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट शॉमिक के फ़ोन पे भी है, मेरे फ़ोन में, बिकॉज शॉमिक इज़ वेरी सिंसियर अबाउट ऑल दिस थिंग. तो जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, फिर डेली मैंने प्रीनेटल खाया कि नहीं, ये लोग रिमाइंड करते हैं, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं ना. यस मम्मी, ये केक कब होगा, मेरे रैकू बाबा को केक खाना है. हाँ मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ. तो यहाँ से फिर से चेकिंग हो रहा है क्योंकि वो दूसरा केक नहीं बना. अलेक्सा स्टॉप. सो अभी मैं बोलूंगी इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से नहीं निकला तो फ्लॉप हो जाएगा. ऐसे भी खा सकते हैं. तो या इट इज परफेक्ट. तो ये रहा फाइनल एंड ऊपर में चेरी है, देखने को परफेक्ट लग रहा है. जिनको जिनको खाना है आ जाइए, वर्चुअली खा के चले जाइए. एंड कपकेक्स आल्सो एंड जस्ट रैक्स को देखिए, लाइक ये लाइक हम लोगों के घर में बोलते हैं ना, एक ऑलवेज यू विल सी हिम एंड कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, ही विल ऑलवेज मेक यू लाफ. अभी देख ही रहा है, थोड़ा दे देंगे, गिव हिम लिटिल लिटिल. हाँ लिटिल, बहुत ही कम राय ने दिया. या हैप्पी तो परफेक्ट हुआ है. मैंने छोटा एक पीस ही लिया है, मैं और नहीं खाऊंगी. पर हाँ इट इज़ परफेक्ट, अंदर भी बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है एंड बहुत मॉइस्ट हुआ है. सी इट इज़ सो सॉफ्ट. ये कैमरा तो सिर्फ मुझे ही दिखाएगा. सी Yeah, I can read the signs. You need to get away. तो चलिए अभी व्लॉग को एंड कर ही देते हैं क्योंकि कुछ नहीं है. पर अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक ना, मुझे जैसा मीठा खाना पता नहीं, अभी इतना पसंद नहीं, मुझे इतना मीठा लगा ना, अभी ऐसा लग रहा है ना कुछ नमकीन हो तो खाने में मज़ा आ जाएगा. एक्चुअली बहुत दिन से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं मोमो बनाऊँ, फिर शाम होते होते ना बनाने का ही मन नहीं करता है. फिर मुझे लगता है छोड़ो, बिकॉज मोमो बनाएंगे यू विल सी लॉट ऑफ लाइक डम्पलिंग्स, लॉट ऑफ वर्क होता है ना, तो मैं वो सोचती हूँ एंड आई एम लाइक छोड़ो नहीं बनाना. अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4 o'clock एंड हाँ जैसे कि वीडियो में मैंने बता भी दिया कि ट्विंस नहीं हो रहा है, अभी कुछ ट्विंस हो रहा है, ट्विंस बॉय हो रहा है क्योंकि वो किचन. That was so funny. तो ट्विंस नहीं हो रहा है, बट आई हैव सो मच रिस्पेक्ट यार जो लोग के ट्विंस बच्चे होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके बाद यू नो जर्नी. जैसे कि मेरी नेबर जो है ना, जो इस साइड रहती है,
वो लोग के जैसे ट्वींस हुए तो वो बोल रही थी मुझे, बोल पायल मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि एक बच्चे इतने सुलाया ना, दूसरे बच्चे अगर रोए तो जो बच्ची सोई सोई हुई है वो भी उठ जाती है, तो दोनों को संभालना इट इज़ लिटिल बिट टफ यू नो, यहाँ पे व्हेन यू डोंट हैव दैट मच हेल्प बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए अभी आप सब कर देते हैं टाटा बाय बाय, अभी कोई यहाँ पे ऐसा देख लेगा तो फिर बोलेगा अरे पायल के पास ब्लू कैंडल है तो बाय होगा। एंड यहाँ पे राय पीछे से अपना कमेंट देख, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग ब्लू इन माय हाउस, अभी पिंक तो कुछ है ही नहीं, व्हाट टू डू नाउ। वो आज बहुत ज्यादा ठंडी है, तो चलो विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड, बहुत मस्ती कीजिएगा, एंड मैं आप सबसे मिलूंगी मंडे विथ ए न्यू वीडियो, अंटिल देन स्टे हैप्पी, एंड हाँ इस वीडियो को एक लाइक एंड बाय बाय।